अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 64वें दिन प्रकाश बंसल नया तालाब के नेतृत्व में जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि बसोर समाज के आंदोलन की ताकत देखकर भाजपा डर गई है, जिसके चलते जहां मोहनिया टनल का उद्घाटन रीवा जिला क्षेत्र में होना था, अब उद्घाटन का स्थान बदल कर सीधी जिला क्षेत्र कर दिया गया है। मुन्ना भैया की तैयारी धरी की धरी रह गई, अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीधी पहुंचेंगे। शिव सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि 26 नवंबर को राजभवन मार्च के दौरान राजधानी भोपाल से ही बसोर समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर रीवा में सीएम के घेरने का ऐलान किया गया था, जिस पर आज भी आंदोलनकारी अड़िग हैं। सरकार को अभी भी सचेत किया जा रहा है कि बसोर समाज की मांगों का शीघ्र निराकरण करें, अन्यथा रीवा के अंदर सीएम सहित हर जन प्रतिनिधि को घेरने का काम किया जाएगा। महापड़ाव में मोर्चे के नेता इंद्रजीत सिंह शंखु सहित बसोर समाज के राजेश बसोर, रमेश उर्फ राजभान बसोर, राजा राम उर्फ राजा बसोर, सकोचिल प्रसाद बसोर, गीता शिव कुमारी आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। लोग क्यों धरने पर बैठे हुए हैं? ये आज से नहीं, हम लोग 6 अक्टूबर से यहाँ पे बसोर समाज के जो सुअर थे उनकी मृत्यु हो गई थी और अमेरिकन बीमारी के कारण, और जो बचे थे उनको जिला प्रशासन ने मरवा दिया था और उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए 13 सितंबर को पहले ज्ञापन दिया गया, उसके बाद 6 अक्टूबर से यहाँ पे अनावरत 64 दिन है हम लोगों ने बैठे हैं यहाँ के। हाँ, आज धरने का 64वां दिन है और हम लोगों ने पूरे नेताओं को, मंत्रियों को, विधानसभा अध्यक्ष महापौर को भी ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को आना था रीवा के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री डर गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डर गए, इसलिए उन्हें सीधी की तरफ से लेके और वहाँ पे टर्मिनल का उद्घाटन कराते हैं। और जब मुख्यमंत्री केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनकी केंद्र में सरकार भी है बीजेपी की, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं टनल का उद्घाटन करने, तो क्या वहाँ भी आप लोग उनको घेरेंगे? वो लोग यदि रीवा की धरती पे आते हैं टर्मिनल का उद्घाटन करने, सीधी की धरती है, तो वो वहाँ पे हम लोग नहीं घेरेंगे, लेकिन जब रीवा में आएंगे। हाँ, पहले इधर भी उद्घाटन हाँ नहीं, तो इसलिए जो मुन्ना जी हैं वो डर गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर रीवा नहीं आ रहे हैं, ये जान लिए हैं कि हम लोगों की अब रीवा से विदाई है। सीधी तक आप लोग नहीं घेरेंगे? सीधी में हमारे संगठन के लोग वहाँ पे घेरेंगे, पुतला दहन करेंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोगों ने पूरे तहसील में ज्ञापन देंगे और सभी विधायकों को और जो मंत्री आएगा उसको घेरने का काम करेंगे रीवा के अंदर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि जो बसोर समाज के सुअर मर गए हैं उनका मुआवजा दिया जाए, डॉक्टर जो लापरवाही किए हैं उनको सस्पेंड किया जाए, और उनको पालने के लिए बच्चे दिए जाएं, सुअर के बच्चे दिए जाएं, ये हम लोगों की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह शंखु है। किस पद में है? मैं शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और संभागीय संयोजक हूँ किसान संघर्ष समिति का। आपसे मेरा निवेदन यह है कि ये जो सुअर जो पाले हैं हम लोग, इसी से शादी करते हैं, इसी से ब्याह करते हैं, इसी से शादी के जो कर्ज बचती है तो जानवर देख के कर्ज देते हैं, इसी से कर्ज भरते हैं। हमारे लोग के जानवर मर गया तो हम लोग तो उजड़ गए, अब हमारे लोग के कोई सहारा नहीं है। क्या नाम है तो आपका? हमारा नाम सुकरनिया बंसल है। कहाँ रहती है? नया तला में 40 वाट। कितने दिनों से यहाँ धरने पर बैठे? यहाँ 3 महीना हो गया, ऊपर चल रहा पर, लेकिन 3 महीना। 64वां दिन है ना? हाँ हाँ, 64 दिनों से यहाँ धरने पे बैठी, धरने पे बैठी हूँ। न कोई मुख्यमंत्री सुनता, न कोई सा कोई न मंत्री, न कोई कलेक्टर महोदय आए, कोई हमारे वहाँ, हम लोग भी गए वहाँ भी नहीं सुने। आप लोगों ने कलेक्टर साहब का घेराव भी किया? घेराव पर 2 बार किया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रखे, कचरा कसम लोग का फेंके। जब तक सुअर का पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन से हम लोग हटेंगे नहीं। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध।
अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाए शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।